नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भालेज में रहते परप्रांतियों के बीच डर को दूर करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित उमरेट मामलदार दवे, भालेज PSIRN खाट सरपंच महमूद मियां और गांव के लोगों हाजिर रहकर परप्रांतियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। आनंद जिला से बसर चिश्ती की रिपोर्ट। गुजरात में ऐसी कोई घटना, आपके कोई रिश्तेदार यहाँ कोई और शहर में रहता है, हमारे तालुका के और गांव में आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, तो उसके उससे भी उसकी जान पहचान कीजिए कि ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं सर, अभी तक तो हमारे जानकारी में यहाँ भालेज के अंदर जितने भी है कुछ ऐसा माहौल नहीं है, और हम यहाँ पे भाईचारे के तरीके से ही रहते हैं। जितने भी यहाँ के भी लोग हैं तो अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ हैं। हम खातरी सरकार की ओर से खातरी दे रहे हैं कि आपको पूरी तरह से कोई भी ज़रूरत होगी आज आए हैं, और आपसे राय भी जानने आए हैं कि आपके पास ऐसी कुछ कोई हरकतें हो रही है कि क्या। नहीं, उसके कारण गुजरात बदनाम भी हो सकता है जी, लेकिन गुजरात के आदमी ऐसे नहीं होते। सर, मुझे भी काफ़ी समय हो गया, 15 साल और फैमिली में यहाँ रह रहा हूँ। हमारे बच्चे भी जैसे बच्चे एजुकेशन किया है, उन्होंने MSc किया है, टोटल चीज़ मैं 7वें दौरान से उसको यहाँ पे पढ़ाया हूँ। भालेज हाई स्कूल से निकला है, फिर आनंद हुआ, नडियाद हुआ, फिर अभी उनकी जॉब भी है यहाँ पे, तो ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आई है हमें इस 15 साल में। चलो, आप यहाँ शांति से रहे, आप अपना जो धंधा रोजगार कर रहे हैं, ताजमन सैयद, आप कोई भी डर ना रखें। जी जी बिल्कुल। आप जी मीटिंग करवाना आवी ते मुख्य दिवस हो, तो ताजेतरमां दिवस थी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने प्रिंट मीडिया ની અંદર એવા સમાચાર વાયરલ થઈ રહ્યા છે કે પરપ્રાંતીય લોકો પર ગુજરાતમાં હુમલા થઈ રહ્યા છે। એ બાબતે થઈને સરકાર ચિંતાતુર છે, અને એના ભાગરૂપે એક તાલુકાના મામલતદાર તરીકે મારા તાલુકાના ગામોમાં વસતા પરપ્રાંતીય લોકોને મુલાકાત લઈ સરકાર વતી અમને ખાતરી આપવાની, એના માટે સંપર્ક કરવાનો, એટલા માટે આજે ભાલેજ ખાતે પરપ્રાંતીય લોકોને એકત્રિત કરી તેઓને સાંભળ્યા, અને તેઓને સરકાર વતી એવી ખાતરી પણ આપવામાં આવી કે તમને આવી જ્યારે પણ કંઈ તકલીફ પડે તો સરકાર, વહીવટીતંત્ર અને પોલીસ તંત્ર 24 કલાક આપણી સાથે છે, તમે નિર્ભય રીતે તમારો ધંધો રોજગાર કરો, વસવાટ કરો, તમને કોઈ તકલીફ પડશે નહીં એની અમે ખાતરી આપી છે સરકાર। આપકા નામ? મોહમ્મદ જમાલ અંસારી। રહેને વાલે કહાં કે હો? આજ જો સર, આજ મામલતદાર શ્રી આયે ઓર પોલીસ પ્રશાસન ઓર ગાંવ કે સબ આગેવાન આયે ઉસકે બારે મેં આપકો જો સમજાયા તો ક્યા કહેના ચાહેંગે ઉસકે બારે મેં આપ? હમારે કો બહોત અચ્છા લગા, હમારે સપોર્ટિંગ મિલા ઓર હમ લોગ પે હોસલા અફજાઈ કી હૈ, ઓર હમ લોગ કો હર તરીકે સે ફુલ સપોર્ટિંગ, હમારે ગાંવ વાલે કે ભી હૈ, ભાલેજ ગાંવ વાલે કે શુક્રિયા હૈ, ઓર સારે પ્રશાસન કે ભી શુક્રિયા। નામ? જી મોહમ્મદ સરફરાઝ। કહાં સે રહેને વાલા આપ? जी, मैं बिहार से रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से जी। आज जो मीटिंग हुई उसमें मामलतदार साहब और PSI साहब जो आए और आपको जो समझाया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमें बहुत अच्छा लगा सर, लोग आए और हमें हिम्मत दी, और ऐसी जो भी अफवाहें चल रही है तो उन पर हम लोगों को भी जानने को मिला कि ये सब अफवाहें हैं। हम लोगों में यहाँ पे कोई ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं। भालेज में कोई तकलीफ है किसी के? नहीं नहीं, कुछ भी तकलीफ नहीं है सर, यहाँ पे बहुत सुकून है, बहुत शांति है। प्रशासन से कोई तकलीफ है या किसी गांव वालों से? नहीं, अभी तो सर खुद से ही आए और मीटिंग रखी उन्होंने, और सबको हौसला भी दिया कि आप बेफिक्र होकर अपने काम में रहे और अपना जो भी कारोबार है उनको देखे और अफवाहें पर ना जाए, कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें। बोलिए। उन्होंने नंबर भी हमारे जितने भी यहाँ पे बिहार के जितने भी लोग रहने वाले सभी को उन्होंने खुद का नंबर भी दिया, और उन्होंने बोला कि कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट करें।